नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि एक डॉग का, वो भी 60 दिन के बच्चे का, हमारे बच्चों से कितना प्यार है। सुबह के वक्त मैं इसको सैर पे लेके जाना चाहता हूँ और लेकिन ये बच्चों के बिना जाएगा नहीं। देखिए यूरो, आजा सैर पे चलिए, चलो आजा सैर पे, चलो सैर पे चलें, आजो। अब ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा खींच रहा हूँ, जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये रूट कर बैठ गया है। इसका इशारा ये है कि जल्द से जल्द पहले बच्चों को बुलाओ, फिर जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। अब ये देखिए, चल यूरो, चलो बेटे सैर पे, आजो। अब आप देख रहे हैं नहीं आ रहा, तो अभी मैं मेरे बच्चों को बुलाऊंगा, तो उसके बाद का इसका व्यू देखना। अब ये देखिए, ये यहाँ से नीचे ही नहीं उतर रहा। यूरो, कम ऑन कम ऑन, सैर पे जाना है बेटे, चलो आ जाओ। देखिए किस तरह से नखरे कर रहा है, अभी देखिए, चल आ यूरो सैर पे, चलो बेटे इसको नीचे उतारो। अब ये इसके पीछे पीछे चलेगा, ये देखिए साथ के साथ, साथ के साथ तैयार है। दूसरा बच्चा आ गया है, उसकी भी ये वेट कर रहा था। तो देखिए डॉग की, डॉग का प्यार बच्चों के साथ। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये कभी भी इनके बिना घर से नहीं निकलता। तो अभी आपने देखा कि इनका, कुत्तों का किस तरह से, किस किस चीज के साथ लगाव होता है। पपीज़ जो हैं, बचपन से इनको जो सिखा दिया जाए उसी के अनुसार अनुरूप से चलते हैं। मैं सुबह 6 बजे का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये सैर करने के लिए मेरे साथ जाएगा। आखिर जब बच्चे उठे तब ये सैर के लिए आ गया। ये कम्प्लीटली डन है, यानी कि इसने आज का फीड ले लिया है और पूसू दोनों कर लिए हैं। इस वक्त से सिर्फ खेलने के मूड में है। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गले में रस्सी क्यों डली। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि हमारी जो इंडिया की सड़कें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं गंदगी होती है और ये गंदगी में मुंह मारने के लिए चला जाता है। सिर्फ इसे वहाँ से रोकने के लिए कि गंद ना खाए, उसके लिए हम इस रस्सी का उपयोग करते हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए, अब सामने गंदगी है तो उसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ में ये नहीं आता। अब ये देखिए, इस रस्सी के सहारे ये फ़ायदा रहा कि वो गंदगी से नहीं गुजरा, गंदा हो चुका है नीचे से। यही कारण है कि इसको हम रस्सी डालकर रखते हैं, वो भी सिर्फ सैर के वक्त। घर में ये खुला ही रहता है क्योंकि ये तो सबका प्यारा बन चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ डॉग लव विद द फैमिली या चिल्ड्रंस को लेकर एक वीडियो जारी करना था। धन्यवाद।